शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अगर अच्छा मुनाफा बनाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं एक्सपर्ट की सुझाए ऐसे दो स्टॉक्स जो आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी के लिए 18,880 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। लंबे समय बाद डेली चार्ट पर बियरिश गैप देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म में बुलिश मोमेंटम सुस्त पड़ा है। कीमतें अहम सपोर्ट लेवल से थोड़ा ही ऊपर बंद हुई हैं। ये 20 डे ईएमए के भी थोड़ा ही ऊपर क्लोज हुई हैं। इससे पहले इस लेवल ने करेक्शन के दौरान बड़े सपोर्ट के रूप में काम किया है। यह अर्ली चार्ट पर देखे गए बियरिश डबल बॉटम पैटर्न से मिलता है। बुल्स के फिर से कंट्रोल हासिल करने के लिए करंट लेवल से अपवर्ड मूवमेंट शुरू होना ज़रूरी है। हालांकि अगर 18,600 से 18,650 का लेवल टूट जाता है तो हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है और निफ्टी 18,500 से 18,450 की तरफ बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ 18,750 के करीब बना बियरिश गैप अगले रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद 18,888 रेजिस्टेंस लेवल होगा। ट्रेडर्स को ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स लुभावने लगते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि आगे किसी तरह के फ्यूचर प्राइस या टाइम वाइज करेक्शन को खरीदारी के मौके के रूप में देखना चाहिए, जो ट्रेडर्स पिछले कुछ महीने में अपवर्ड ट्रेंड के मौके का फायदा उठाने से चूक गए हैं, वे खरीदारी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एंजल वन में सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स ओशो कृष्ण के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो अगले 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इसका टारगेट प्राइस 5,300 रुपए है। इसमें 4,820 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% का मुनाफा कमाया जा सकता है। क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट भी नजर आया है। ये इस स्टॉक में पॉजिटिव बदलाव का संकेत है। डेली चार्ट पर इस स्टॉक में पेंडेंट फॉर्मेशन देखा है, इससे भी बुलिश सेंटीमेंट को सपोर्ट मिला है। इस स्टॉक में 4,980 से 5,000 की रेंज में खरीदारी की सलाह दी गई है। और इनका अगला पसंदीदा शॉर्ट टर्म स्टॉक है डाबर इंडिया। इस स्टॉक में भी खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 595 रुपए है। इसमें 540 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 5.6% की कमाई हो सकती है। बीते ट्रेडिंग वीक में इस शेयर में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा है। इसने अपने 200 SMA को पार कर लिया है। ब्रेकआउट के बाद इस शेयर के नेकलाइन को दोबारा टेस्ट करने के लिहाज से करेक्शन देखने को मिला था। ये डेली चार्ट पर 21 DEMA से मिलता है। इससे इस शेयर में री एंट्री के लिए बुलिश फॉर्मेशन बनता दिख रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं LKB सिक्योरिटीज के रूपक देके वो पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में बुल और बियर्स के बीच लड़ाई जारी है। इसके लिए 43,500 सपोर्ट लेवल है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। बैंक निफ्टी के लिए 44,000 स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है। इस लेवल पर कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है। इस रेंज की किसी दिशा में ब्रेक होने पर ट्रेडिंग मूव दिख सकता है। इस रेंज के अंदर बाय ऑन डिप्स अप्रोच अपनाने की सलाह है। चलिए अब जानते हैं LKP सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट रूपक डे के उन पसंदीदा पिक्स के बारे में जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 127 रुपए है। इसमें 113 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 8.5% की कमाई हो सकती है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखाया है। इससे इसकी कीमत में अपवर्ड मूवमेंट का संकेत मिलता है। इसके अलावा ये अपने अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा है। इससे भी पोजीशन सेंटीमेंट का पता चलता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। इससे स्टॉक में खरीदारी का दबाव बढ़ने का संकेत मिलता है। JSW स्टील का टारगेट प्राइस 730 रुपए है। इसमें 770 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। डेली चार्ट पर डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद इस शेयर में हाल में गिरावट देखने को मिली है। ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। इसके अलावा लोअर टाइम फ्रेम पर ये शेयर अपने अहम मूविंग एवरेजेस से नीचे आ गया है।
इससे इस शेयर में शॉर्ट टर्म में गिरावट का संकेत मिलता है। RSI डेली चार्ट पर एक बियरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है, इससे इस शेयर में बिकवाली का दबाव दिख सकता है। और इनका थर्ड पसंदीदा स्टॉक है GNFC। GNFC के स्टॉक में खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 635 से 650 रुपए है। इसमें 580 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 8% की कमाई हो सकती है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर ब्रेकआउट किया है, इस दौरान वॉल्यूम भी ज्यादा रहा है। F&O सेगमेंट में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बने हैं, इससे पॉजिटिव मार्केट संकेत का पता चलता है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है, इससे भी बुलिश मोमेंटम का संकेत मिलता है। इस स्टॉक के लिए 580 रुपए पर सपोर्ट मौजूद है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शेयर बाजार से कम समय में अच्छा मुनाफा कमाना है तो आइए आपको बताते हैं ब्रोकरेज के ऐसे पसंदीदा स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म में आपको तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी में 16 जून को खत्म हफ्ते में काफी एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद ये 18,800 के लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। अब ये अपने रिकॉर्ड हाई लेवल के काफी करीब पहुंच गया है। ये 19,000 का नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ेगा। 18,800 के ऊपर मजबूत क्लोजिंग और 16 जून को BFSI के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इस हफ्ते की शुरुआत में निफ्टी के नए ऑल टाइम हाई बनाने की संभावना दिख रही है। गिरावट की स्थिति में पहले 18,700 पर सपोर्ट मिलेगा, इसके बाद 18,600 से 18,550 पर सपोर्ट है। मार्केट में अगले फेज की तेजी में ग्लोबल मार्केट की बड़ी भूमिका हो सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर के बीटा स्टॉक तेजी दिखाना शुरू कर सकते हैं। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक रहती हैं तो नियर टर्म में मार्केट में अच्छी तेजी दिख सकती है। आइए अब जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्म एंजल वन में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड समीर चौहान ने किन स्टॉक्स को चुना है जिनमें शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है IRCTC। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 706 रुपए है। इसमें 642 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% कमाई हो सकती है। इस स्टॉक में पिछले काफी समय से कमजोरी दिख रही है। हाल में इसने 580 से 600 रुपए के करीब स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, उसके बाद इसने तेजी दिखाना शुरू किया है। 16 जून को हमने इस स्टॉक को 656 के रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होते देखा था। इससे डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट की पुष्टि हो गई है। इस स्टॉक में बढ़ते वॉल्यूम को देखते हुए इसका टारगेट प्राइस 706 रुपए है। समीर चौहान का अगला पसंदीदा स्टॉक है यूनाइटेड ब्रूवरीज। इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1565 रुपए है। इसमें 1482 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 3.5% कमाई का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक में काफी उतार चढ़ाव दिखा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर देखने पर हमें ये 200 वीक SMA के करीब अपनी पोजीशन मजबूत करता दिख रहा है, जो 1353 रुपए है। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये 79 EMA के ऊपर बना हुआ है। इस स्टॉक में फिर खरीदारी की दिलचस्पी दिख सकती है। ये ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक रहा है। 16 जून को बढ़ते वॉल्यूम के साथ ये 1500 रुपए के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के चुने ऐसे 10 शेयर्स जो 3 से 4 हफ्तों में आपको दे सकते हैं अच्छा मुनाफा, आइए जानते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी ने पिछले 2 कारोबारी दिन वीकली चार्ट पर एक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। इसके अलावा इसने बीच बीच में आने वाले करेक्शन और कंसोलिडेशन के बावजूद लगातार 12वें हफ्ते हायर हाई फॉर्मेशन बनाए रखा। निफ्टी ने अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में 13 सप्ताह के साथ साथ 26 सप्ताह के EMA को पार करने के बाद 5 सप्ताह के EMA को बनाए रखा है, जबकि मोमेंटम इंडिकेटर RSI 65 पर है। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स 19,000 का स्तर पार कर सकता है। 18,800 पर निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट है, फिर 18,700 से 18,500 पर अगले सपोर्ट है। एंजल वन के हेड रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स समीर चौहान का कहना है
कि बाजार की दिशा साफ ना होने के बावजूद निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई के करीब है। 18,800 से ऊपर की मजबूत क्लोजिंग और हाल में दबाव में चल रहे BFSI स्पेस में 16 जून को आई तेजी के साथ अगर निफ्टी इस हफ्ते ये कारनामा करता है तो इससे आश्चर्य नहीं होगा। निफ्टी का बेस अब 18,600 से 18,550 की ओर आ गया है। इसके पहले निफ्टी के लिए 18,700 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। वहीं सामको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स और टेक्निकल एनालिस्ट अश्विन रमानी का मानना है कि जब तक निफ्टी 20 EMA जोन के ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक गिरावट पर खरीदारी की सलाह होगी। निफ्टी के लिए अब 18,500 पर मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। आइए अब जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए ऐसे 10 शेयरों के बारे में जो अगले 3 से 4 हफ्तों में जोरदार रिटर्न दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के नंदिश शाह की पसंद सूर्य रोशनी में नंदिश शाह की 780 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 895 से 935 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 12% रिटर्न मिल सकता है। 14 जून को ये स्टॉक वॉल्यूम में भारी बढ़त के साथ डेली चार्ट पर ब्रेकआउट देता दिखा था। स्टॉक का प्राइमरी और इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। ये स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार कर रहा है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज M&M फाइनेंशियल में नंदिश शाह की 286 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 324 से 335 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 10% रिटर्न मिल सकता है। विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स इस स्टॉक में नंदिश शाह की 365 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 430 से 445 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 13% रिटर्न मिल सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की पसंद आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में श्रीकांत चौहान की 180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 250 से 275 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 32% रिटर्न मिल सकता है। रेन इंडस्ट्रीज में श्रीकांत चौहान की 155 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 190 से 210 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 22% रिटर्न मिल सकता है। वहीं श्रीकांत चौहान की तीसरी पसंदीदा पिक है HCL टेक। इस स्टॉक में श्रीकांत चौहान की 1,080 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,250 से 1,350 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 17.6% रिटर्न मिल सकता है। आइए अब जानते हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के मितेश कारवा ने किन स्टॉक्स पर दाव लगाया है। उनका पहला पसंदीदा स्टॉक है IRCTC। IRCTC में मितेश कारवा की 627 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 720 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस शेयर में अगले 3 से 4 हफ्तों में 8% रिटर्न मिल सकता है। इनका अगला पसंदीदा स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रू में 485 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस शेयर में अगले 3 से 4 हफ्तों में 12% रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर बात करें आनंद राठी के जिगर एस पटेल की पसंदीदा पिक्स के बारे में तो इन्होंने सबसे पहले दाव लगाया है फर्स्ट सोर्स पर। इस स्टॉक में 112 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 155 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस शेयर में 20% रिटर्न मिल सकता है। चलिए जानते हैं 5paisa.com के रुचित जैन की पसंद एलेम्बिक फार्मा। इस स्टॉक में 585 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 655 से 668 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में अगले 3 से 4 हफ्तों में 8% रिटर्न मिल सकता है। वहीं रुचित जैन का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है IRCTC। इस स्टॉक में 642 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 688 से 705 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस शेयर में अगले 3 से 4 हफ्तों में 6% रिटर्न मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप से मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए ऐसे 3 स्टॉक्स जो आपकी कम समय में शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी अप स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन में बढ़ता दिख रहा है। हालांकि 18,900 से 19,000 इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग का जोन बन सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। करीब 18,640 का 20 DMA अगले सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने पर 18,450 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। वहीं बैंक निफ्टी ने अपने 50 DMA को रिस्पेक्ट दिया है, लेकिन ताकत पाने के लिए इसे 44,000 के 20 DMA के ऊपर टिके रहने की जरूरत है। 20 DMA के ऊपर अगला रेजिस्टेंस लेवल 44,400 से 44,500 है। हालांकि बैंक निफ्टी के 43,300 के नीचे फिसलने पर इसके लिए अगला सपोर्ट लेवल 42,700 होगा।
चलिए जानते हैं स्वास्थ्य के इन्वेस्ट मार्ट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौर के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो शॉर्ट टर्म में आपकी जबरदस्त कमाई करवा सकते हैं। प्रवेश गौर का पहला पसंदीदा स्टॉक है SGS Enterprises। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 684 रुपए है। इसमें 515 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 20% कमाई का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने पिछले कई महीनों से बने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ब्रेक दिया है। ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हुआ है, इससे ब्रेकआउट की वोलेटिलिटी की पुष्टि हो गई है। इस स्टॉक ने 551 रुपए के IPE लिस्टिंग हाई को पार कर लिया है। इससे सेंटिमेंट में बदलाव का संकेत मिलता है। 19 महीनों के लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक को लेकर बाजार की धारणा बदलेगी। इस स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर फायदेमंद लग रहा है। इसकी वजह यह है कि इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। प्रवेश गौर का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है एयरकॉन इंटरनेशनल। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 100 रुपए है। इसमें 80 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगले 2-3 हफ्तों में इस शेयर में 15% तक कमाई हो सकती है। पिछले एक महीने में इस शेयर की कीमत सीमित दायरे में दिख रही है। डेली चार्ट पर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है, वीकली चार्ट पर ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये ट्रेंड पिछले ट्रेंड जारी रहने का संकेत देता है। इस शेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत फायदेमंद दिख रहा है। ये अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके लिए 90 रुपए पर मनोवैज्ञानिक रेजिस्टेंस है। इससे इस शेयर में बुलिश मोमेंटम बढ़ने का संकेत मिलता है। और प्रवेश गौर ने तीसरे स्टॉक के तौर पर चुना है पॉली मेडिकेयर को। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1344 रुपए है। इसका स्टॉप लॉस 1050 रुपए है। शॉर्ट टर्म में इस शेयर में 17% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने लंबे ड्यूरेशन के बाद चार्ट पर ब्रेकआउट दिए हैं। इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल, लॉन्ग कंसोलिडेशन और इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन शामिल है। इसने 1094 रुपए पर अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया है। उसके बाद इसमें तेजी का नया दौर दिखा था, लेकिन इसके लिए 1165 रुपए पर नया रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत फायदेमंद दिख रहा है। इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर कारोबार हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI की पोजीशन भी पॉजिटिव है। MACD से करंट स्ट्रेंथ को सपोर्ट मिल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।